नमस्कार दोस्तों, ये ट्रेड रिव्यू है 11 सितंबर के लिए। तो सीधा चल के चार्ट्स पे देखते हैं कि कल क्या हुआ। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हम कर सकते थे और क्या पॉसिबिलिटीज आगे की हो सकती हैं। ऑल दो उसके लिए एक सेपरेट ट्रेड प्लान आएगा। अब ये देखें, ये 5 मिनट का चार्ट है। बहुत एक नैरो रेंज में सारा दिन कारोबार हुआ। तो अभी जो SGX नजर आ रहा है वो 11,400 के आसपास नजर आ रहा है, बेसिकली कल के लो के नीचे। तो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी क्या है कि हम कल के लो के नीचे खुलें और थोड़ी देर वहां कारोबार करने के बाद हम जो है ऊपर चलना शुरू कर दें, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है। तो यहां पे अगर बेयर को फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा तो वो ये बाजार को ऊपर ले जाएगा। लेकिन रुकें, देखें क्या हो रहा है और फिर उसके हिसाब से काम करें। लेकिन मेरे लिए ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इसको आप काम कर सकते हैं। 1 घंटे का हाई अगर जाना शुरू हो जाए तो आप उसके ऊपर खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जहाँ तक निफ्टी की बात है। ओवरऑल निफ्टी पे मुझे लगता है कि अभी भी कुछ अपसाइड बाकी है। धीरे धीरे अमेरिका में भी करेक्शन खत्म हो रही है। अगर हम कल के देखें, बहुत ऊपर नहीं गया, लेकिन ये है कि धीरे धीरे वहाँ भी डाउन साइड खत्म होती हुई नजर आ रही है। ये है वीकली चार्ट निफ्टी का। अब जैसा कि मैंने कहा है कि पूरी गिरावट 11,800 से 11,200 तक, इसका 50% जोन है 11,500। यहाँ थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है, लेकिन ये क्रॉस होने का अच्छा चांस है। इसीलिए आपको डिक्लाइन पे लेने की राय दे रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में पिछले 2 सप्ताह से बहुत अच्छी ढुलाई हुई है और इस वक्त आप बैंक निफ्टी में 2 हफ्ते के डिक्लाइन के बाद कल लोएस्ट पॉइंट पे बंद हुए हो वीकली S1 पे। अब पीछे देखें, ये वीकली S1 कहाँ मैच हो रहा है। ये वीकली S1 मैच हो रहा है इस कंजेशन के साथ। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे ऑड्स हैं कि यहाँ से आपको वापस पुल बैक रैली मिलेगी। ये 1, 2, 3 दिन से हम इसमें नया लो नहीं बना पा रहे। ऑब्वियसली इसमें स्टॉप लॉस है कि अगर ये 22,000 का स्तर जाए तो मैटर ओवर, लेकिन हम शायद ये 22,300-22,200 तक एक पुल बैक रैली कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद लगती है अगले हफ्ते में। तो ये है बैंक निफ्टी का व्यू। यहाँ भी अगर आपको 22,000 तक करेक्टिव कोई डिक्लाइन मिले तो लेने की कोशिश करें। 23,000 का कॉल बहुत इजीली लिया जा सकता है, लेकिन ये समझें कि बैंक निफ्टी में अभी बहुत लंबी तेजी नहीं है। तो निफ्टी शायद 500 से पहले थोड़ा रेंज बाउंड हो और बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कवरिंग आ जाए, ऐसा कुछ रुझान लगता है। फिलहाल के लिए अगर हमें बात करनी हो पिवट्स की, तो
पिवट जो है वो डेली लेवल पे आपका पिवट 11460 है, ठीक है। अगर हम 11400-420 के आसपास खुलते हैं तो आप डेली के S1 पे खुल रहे हैं, ठीक है। अब ये S1 R1 होता क्या है, मैंने आपको वेबिनार में भी समझाया था कि बेसिकली R1 होता है कल का हाई, S1 होता है कल का लो, क्लोज होता है मोटा मोटा पिवट। और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये तीनों लेवल मैच हो रहे हैं, क्योंकि हम एक अपवर्ड साइड पे चल रहे हैं, तो कोई भी अगर हमें कल के लो के पास मिले, ये जो लोज होते हैं ये बुल के होते हैं, ये जो हाइज होते हैं ये बियर के होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अप ट्रेंड में यहां से खरीदारी अक्सर आती है, तो यहाँ पे जब मार्केट खुले तो हमें रिजेक्शन का इंतजार करना है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हमें ये देखना है कि कल का लो रिस्पेक्ट हो और वहां से फिर रिजेक्शन आए, ठीक है। बैंक निफ्टी में हालात थोड़े से दूसरे हैं, क्योंकि वहां पे आप अप ट्रेंड में फिलहाल नहीं है, तो वहां पे हमें ये इंतजार करना है कि 22500 क्रॉस हो जाए तो फिर हम और ज्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी में मेरे ख्याल से क्या है कि हम ये 460 का जोन जो है बहुत बार टेस्ट कर चुके हैं, और इसके चलते ये जितने भी ये पुल बैक यहाँ पे आ रहे हैं वो सब बायबल पुल बैक हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस निफ्टी में होना चाहिए 11380, जो कि वीकली पिवट है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो वीकली पिवट है वो होल्ड होगा, वीकली पिवट है निफ्टी पर 11380, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो वीकली पिवट बैंक निफ्टी पे है 22538, ये कल क्रॉस हो जाएगा। वीकली बैंक निफ्टी पिवट है 22538 और वीकली डेली पिवट है बैंक निफ्टी पे 22451। तो ये 100 पॉइंट की रेंज जैसे ही क्रॉस होगी हम सीधा 23,000 तक पहुंच जाएंगे, और आपका जो इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 22233 के आसपास S1 का आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बैंक निफ्टी में, क्योंकि हम 3 दिन से, ये आवरली चार्ट है 3 दिन का, तो 3 दिनों से हम जो है नया लो नहीं मार पा रहे। मैंने आपको वर्कशॉप में बताया था कि अगर कोई भी चीज नीचे आ रही है और किसी पॉइंट पे आके नया लो नहीं मार पाती तो उसका ऊपर जाने का इंडिकेशन होता है, ये हम इस वक्त यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। एक जनरल आपको ज्ञान की बात मैं बताता हूं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है, ये है R1, S1 और ये है पेपर, आप खरीदारी करना चाहते हैं, और जैसा कि हमारे मार्केट में होता है बहुत लंबा चौड़ा ट्रेंड नहीं होता, तो ये
जो इंडाइसेस हैं दोनों, निफ्टी ज्यादा ट्रेंडिंग है, निफ्टी कम ट्रेंडिंग है, बैंक निफ्टी ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो यहाँ पे अगर आपको इंट्राडे के लिए खरीदारी करनी है तो S1 का इंतजार करें और इस तरह के डिक्लाइन में यहाँ देखें यहाँ क्या होता है, और फिर यहाँ से आपको अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक नॉन ट्रेंडिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट में अगर आप यहाँ खरीदारी करेंगे तो वो 10 में से 2 दिन चलेगा, बाकी दिन नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्योंकि आजकल हम निफ्टी पे ट्रेंड में हैं तो मेरे हिसाब से पिवट पे लेना ठीक है, लेकिन मैं वीकली पिवट पे लेने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे पिवट तो आपका ऊपर है, तो S1 और वीकली पिवट के बीच में आप ये डाउन स्विंग आपको मिल रही है तो वो आप लेने की बात कर रहे हैं। सिमिलरली जो थोड़े से पोजिशनल खिलाड़ी हैं जिनको लंबा प्रॉफिट चाहिए, लेकिन डे ट्रेडिंग में 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट मिल जाए वही बड़ी बात होती है मोस्टली दिनों पे। तो अगर आप वीकली खिलाड़ी हैं तो ये है आपका वीकली लो और वीकली हाई। ठीक है, यहाँ पे हम क्या चेंज कर सकते हैं अपने ऑर्ड्स बढ़ाने के लिए, आप ये कर सकते हैं कि अभी एक डाउन डे के बाद आप S1 ले लें, अगले दिन का S1। उसमें क्या है कि थोड़े से शॉर्ट ज्यादा अंदर आ जाते हैं, या एक डाउन वीक प्लस S1 कर सकते हैं। अभी हमने बैंक निफ्टी में 2 डाउन वीक के बाद S1 लिया है, तो ये सारे ट्रेडर जो हैं अलग अलग ट्रेडर हैं, ये डे ट्रेडर है, ये स्विंग ट्रेडर है, ये कह सकते हैं थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेडर है, तो खरीदारी S1 पे ही करनी है, लेकिन आप उसमें प्री कंडीशंस अपनी ये डाल सकते हैं। और S1 का मतलब क्या है कि वो आपको पीछे किसी तरह का कंजेशन डेवलप हो रहा होगा तो वो आपको बताएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कंजेशन में आप एंटर कर गए। ठीक है, ये वो जोन है जहां मार्केट को पहले भी सपोर्ट मिला है, प्लस आप इतने बड़े डाउन साइड पे बैठे, तो यहाँ से आपको एक रिजेक्शन यहाँ तक मिलना 50% जोन तक मोटा मोटा कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि डिक्लाइन में लें और वैली पे बेचें अपने अपने टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप एक दिन नीचे बंद हो रहे हो, अगले दिन S1 से बाइंग आ रही है, तो वो आपका बाइंग लेवल है। ठीक है, अगर कोई खबर है, जैसे बैंक निफ्टी में बहुत तगड़ी खबर थी तो एक हफ्ते का S1 तो इसने वैसे ही तोड़ दिया, फिर दूसरे हफ्ते के S1 पे पहुंच गया। क्यों? क्योंकि खबर थी। जनरली अगर आप बिना खबर के काम कर रहे हो तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक हफ्ते का डाउन साइड प्लस S1 मतलब ये हफ्ता हो गया, इस हफ्ते का S1 आपके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। डे ट्रेडर के लिए एक दिन का डाउन साइड, अगले दिन का S1,
आपके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये सेटअप अपने दिमाग में रखें। ऑब्वियसली ट्रेंड के साथ सब कुछ चलता है, अगर ट्रेंड आपका ऊपर है तो S1 आपका ज्यादा रिस्पेक्ट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको S1 तब लेना है जब एक तो पीछे आपको कुछ कंजेशन नजर आए और दूसरा आपको एक अपने टाइम फ्रेम पे एक डाउनसाइड आ चुकी हो। डे ट्रेडर के लिए एक दिन डाउन बंद हो तो सिमिलरली ऊपर की तरफ भी अगर डाउन ट्रेंड में है, ऊपर एक दिन बंद हो प्लस R1, और वीकली ट्रेडर के लिए जो 3 दिन 4 दिन वाला है उसके लिए एक डाउन वीक प्लस S1। अगर खबर है तो वो खबर को एग्जॉस्ट होने दें। यहाँ पे मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी एग्जॉस्ट हुआ। तो ये थोड़ा जो है प्रैक्टिकल बात आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रिडिक्शन वेडिक्शन की जगह जो है अगर इस तरह से हम कंजेशन देख के प्री कंडीशन थोड़ी सी फॉलो करके काम करें तो आपके ऑड्स बढ़ जाते हैं। अब मंडे के लिए कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें, तो वो मैं आपको दिखाता हूं कि उन चीजों पे मैंने क्या देखा। नंबर एक TCS, और ये देखें TCS पे ये अप ट्रेंड में है, 20 ऊपर है, सब कुछ ऊपर है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ये एक साइडवेज जोन में था और इसको मैं बिल्डअप बोलूंगा और वो बिल्डअप बिना 20 पे आए ही ऊपर चला गया। तो TCS में जो है ये फ्रेश बाइंग है और अब यहाँ से इसका ट्रेंड तेजी से ऊपर जा सकता है। जुबिलेंट फूड बहुत बार रेकमेंड हुआ है, ये जो है अब इसमें अगर आप 8 पीरियड एवरेज लगा लें तो वो अप्रोक्सीमेटली आपको 8 पीरियड एवरेज अगर आप लगा लें ये आपको ये देखें ये 8 पे चलना शुरू हो गया है, ये 20 तक आ ही नहीं रहा। यहाँ पे इसने ये 20 DM में हॉल्ट किया और उसके बाद ये भागता चला जा रहा है। तो डेली चार्ट पे अगर आप इसको देखें तो इसको कहते हैं पावर ट्रेंड। ये 8 MA पे शुरू हुआ और वहां से नीचे ही नहीं आ रहा। यहाँ से 5 अगस्त के बाद ये 20 तक कभी आया नहीं। जुबिलेंट TCS, हीरो मोटो एक और चीज है।
कुत्ते की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, क्षमा कीजिए। हीरो मोटो में ये डाउन स्विंग खत्म हो रही है और वापस अप स्विंग में आ रहा है, उनसे से बहुत बढ़िया ट्रेंड है। तो इस तरह के स्टॉक्स जो हैं उनमें आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत इजी रहता है। यहाँ नीचे लो के नीचे आप लगा सकते हैं, ये लाल खत्म हो गया और हरा चालू हो गया। सिमिलरली मनापुरम फाइनेंस जो है उसमें भी एक तरह की ये डाउन स्विंग खत्म हुई है और ये अप स्विंग इसमें शुरू हो गई है। तो काफी अच्छी करेक्शन के बाद अब हम इसमें ऊपर की तरफ मोमेंटम देख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए ट्रेड रिव्यू में इतना ही। कल सुबह SGX के हिसाब से आपको एक फ्रेश अपडेट देंगे। तब तक के लिए एंजॉय करें अपना वीकेंड और अपनी रिसर्च करते रहें, और जो मैंने ओपन हाई लो क्लोज बताया है उसको ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये जो है रिजेक्शन एक बारी में नहीं होती। उसके बारे में एक आपको और थोड़ा सा वो दे देता हूँ कि रिजेक्शन में अगर आप एक हाई बनाए, फिर दूसरा हाई बनाए और फिर नीचे आए, तो ये ज्यादा अच्छी रिजेक्शन होती है। या लो पे एक हाई बने, दूसरा बने और फिर ऊपर जाए, तो ज्यादा अच्छी रिजेक्शन। और ये जो है अलग अलग दिनों पे हो सकता है, ये जरूरी नहीं सेम डे पे। बट मोटी बात क्या है कि उसने आपका S1 या R1 रिजेक्ट हो रहा है, इस बात का संकेत आपको दे दिया। हर टाइम फ्रेम पे ये बात वैलिड है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर और एंजॉय करें।